हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे लवली इनू फाइनेंस के बारे में। सारी लेटेस्ट अपडेट इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और हैप्पी न्यू ईयर, पहले तो सबसे पहले आपको सबको, 1 जनवरी है आज और इस नए साल का सबसे पहला वीडियो है हमारा ये लवली इनू फाइनेंस पर। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर मार्केट की बात करें तो आपको पता ही होगा 2022 जो है काफी बुरा रहा है, ये कह सकते हैं कि रस्ट रहा है कहीं ना कहीं। पिछले अगर 5-6 सालों में देखा जाए तो यही एक ऐसा साल रहा है जो काफी ज्यादा बुरा रहा है। बैक टू बैक हमें क्रैश देखने को मिला है, और पिछले 3-4 दिनों से भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा डाउन ही आ रहा है मार्केट। जैसे कि आप देख सकते हो 793 बिलियन के आसपास जो क्रिप्टो मार्केट कैप है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर ट्रेंड की देखें ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर कहीं पर भी, तो अभी न्यूट्रल है, लग नहीं रहा है कि कोई भी एक बड़ी हाइक की संभावना है, या फिर ऐसा भी नहीं लग रहा है कि एकदम से बड़ा क्रेश भी आ सकता है जो कि बीएनबी की वजह से आ सकता था। लेकिन फिलहाल सारी चीजें न्यूट्रल हो चुकी हैं, तो होपफुली हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2023 अच्छा रहे, कम से कम 2022 जैसा बिल्कुल भी ना रहे। फिलहाल कुछ प्रोजेक्ट है जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया हुआ है जो कि हाईलाइटेड है। एक तो डेफी प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, उसके अलावा LUNC, बिटगट हो गया, XRP, जिलिका, इन सब में काफी बढ़िया बढ़िया अपडेट्स आने वाली हैं। गजब की इवेंट्स हैं इनके अंदर, पहले ही क्वार्टर में हमें देखने को मिलेंगी 2023 के, तो उन सब चीजों में तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा ही होगा। फिलहाल लवली न्यू की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्राइस के टर्म्स में भी अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं मार्केट से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट तो चल रहा है, और जिस हिसाब से इसमें अपडेट्स आ रही हैं उस हिसाब का प्राइस पंप अभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन वो चीज़ सारी इंटेंशनली होती हैं, ये आपको पता है लवली इनू में, तब तक जब तक होगा जब तक कि ये पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है हर एंगल से, क्योंकि अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह ये सारी चीज़ें वेरीफाइड नहीं हुई हैं। इन्होंने जो वेबसाइट रीडिज़ाइन किया है उसको भी थोड़ा मैनिपुलेट इन्होंने किया है, लेकिन जिस हिसाब की इसमें अपडेट्स आ रही हैं तो इसमें काफ़ी जल्दी हमें एक अच्छा खासा हाइक प्राइस में देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक चीज़ जो लास्ट वीडियो हमने एंड किया था इस गिव अवे पर किया था, तो भैया जो 5 लोग हैं जो जीते हैं यहाँ पर, तो पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, तो भैया उनको $20 का लवली इनू मिल गया। तो पार्टिसिपेट तो करते रहना चाहिए भाई इनमें गिव अवे वगैरह में, क्योंकि काफ़ी लोग जीत भी जाते हैं, हालांकि मेरा नाम तो नहीं है इधर बट हो जाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर है कि हांगकॉन्ग गवर्नमेंट में जो लवली स्वैप है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसको लीगलाइज्ड मिल गया है टेंडर, यानी कि उसको फाइनली लीगल अथॉरिटी मिल चुकी है। तो ये एक काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि हांगकॉन्ग की अगर बात करें तो बायनेंस जैसे एक्सचेंज को भी अभी लीगल वहाँ पर नहीं मिला है, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज को अभी तक वहाँ पर लीगलाइज्ड नहीं किया गया है। XRP के लेजर को वहाँ पर लीगलाइज्ड किया गया है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो लवली स्वैप जो डेक्स है उसको वहाँ पर लीगलाइज्ड किया गया है, और ये अपने आप में एक लीजेंडरी बात है, काफ़ी बड़ी बात है लवली स्वैप के लिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है, लवली IT लिमिटेड। तो यानी कि एक बार मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के रिगार्डिंग जिक्र किया था कि जो लवली इनू है वो एज अ कंपनी रजिस्टर हुई है, मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड जैसे होता है ना कंपनी वगैरह उस तरह से। तो लवली इनू की कहीं ना कहीं ये कहें तो जो पूरा इकोसिस्टम है वो सिर्फ एक टोकन या एक क्रिप्टो असेट्स पर नहीं टिका हुआ है, इसके अंदर काफ़ी फीचर्स काफ़ी चीज़ें हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगी, तो ये है इसका पावर सबसे बड़ा। और दूसरा ये भी है कि लवली इनू जो है वो जो डेफी है यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है उस पर ही काम कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जो लवली इनू है उसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। जिसने भी इसमें होल्डिंग थोड़ी बहुत भी रखी हुई है, चाहे वो कितनी भी हो, मिनिमम हो, मीम कॉइंस के हिसाब से हो, $10-20 कैसे भी, तो आपको 2023 में काफ़ी बढ़िया मौके मिलेंगे और काफ़ी जल्दी मिलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें अपडेट्स आ रही है तो कभी भी इसमें ब्लास्ट आ सकता है। ये जो अभी रुका हुआ है पूरा मार्केट, इसकी प्राइस वगैरह सारा कुछ, ये इंटेंशनली हो रहा है मुझे ऐसा लगता है। एक चीज़ और इसमें काफ़ी बढ़िया हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हो कि जो इनके ट्विटर फॉलोवर है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं अभी पिछले एक हफ्ते से अगर देखा जाए तो। और मार्केटिंग के टर्म्स में इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं इन्फ्लुएंसर, उनके साथ इन्होंने टाइप्ड कर लिया है ऑलरेडी, और ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से ये चीज़ तो कही जा सकती है कि लवली इनू जो है वो किसी भी टाइम ब्लास्ट कर सकता है। इन्होंने भी हैप्पी न्यू ईयर कहा है आपको, तो भैया ये तो कहना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है वी विल रॉक टुगेदर, 2023 में आपके सारे सपने वगैरह पूरे हों। तो देखो एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं, करोड़पति वाली चीज़ तो मैं अभी भी नहीं बोलूंगा, लेकिन बैक टू बैक प्रॉफिट बुक करने का जो सीन है वो सभी प्रोजेक्ट्स में हमें मिल सकता है, बिटगट हो, लवली इनू, LUNC, सब में। तो आपको जस्ट थोड़ा सा पैसेज और दिखाना है गाइज, मतलब 2023 2022 जैसा तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि 2023 में ही जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है क्रिप्टो पर वो भी होगा और रिड्यूस भी हो जाएगा टैक्स। इस चीज़ का स्टेटमेंट हमें 2-3 बार मिल भी चुका है, उस पर अभी पूरी क्लियरिटी नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे जिस दिन थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। और शिबा इनू देखिए डोज कॉइन में अब अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि जो ट्विटर पर जितने भी चल रहे थे इलोन मस्क जो अपडेट्स ला रहे थे वो कहीं ना कहीं अब जाके थमे, तो हो सकता है वो वापस से डोज कॉइन पर बात करें, तो उन पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी प्राइस में भी एकदम से स्पाइक हाइक देखने को मिल सकती है।
आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अच्छी अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।